आपकी बेटी हमारी बहू बनेगी। हमारी तरफ से साफ इनकार है, हम बारात लेकर नहीं आएंगे। बेटी के आशिक ने वहां गुंडे भेज दिए अखबार कर लिए बात को। अरे ऐसे में कौन लेकर आएगा बारात यहाँ पे? खामोश नहीं हो सकता। तुम सिर्फ मेरी हो, शादी तुम्हारी सिर्फ मुझसे ही होगी। तुम्हारा निकाह उस्मान के साथ ही होगा। अगर तुमने एक लफ्ज भी बोला या निकाह से इनकार किया तो यहाँ से मेरी लाश घर जाएगी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी ने आज मुझसे कहा कि मैं उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राहे जुनून के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि काशान ने पूरी कहानी का रुख ही बदल डाला। फहद के घर वाले मेहर के घर बारात लेकर नहीं जाएंगे और उनके घर वालों में बहुत ज्यादा अफसरदगी छा जाएगी। मेहर का बाप मेहर की शादी उस्मान से कराने की जिद करेगा। मेहर मान जाएगी इस बात के लिए, लेकिन जारा नहीं मानेगी और जारा वहां पर हंगामा खड़ा कर देगी कि मैं ही उस्मान से शादी करूंगी, मैं मेहर को उससे शादी करने नहीं दूंगी। जिस पर मेहर का बाप मजबूर हो जाएगा और उस तकरीब में मेहर की शादी की बजाय जारा और उस्मान की शादी हो जाएगी। मेहर शबरेज से बदगुमान होगी कि उसने ये सब कुछ उसके साथ किया, लेकिन उसको ये नहीं पता कि सारा किया दरा काशानली खान का है। दूसरी तरफ शबरेज हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा होगा और उसे जैसे ही होश आएगा तो वो हॉस्पिटल से मेहर के घर जाने की जिद करेगा। उसके घर वाले उसे समझाएंगे और बताएंगे कि तुम अभी जाने की कंडीशन में नहीं हो, जिस पर शबरेज का भाई जैन उसे बोलेगा कि तुम यहीं रहो, मैं मेहर के घर जाता हूँ और वहां से सारी मालूमात लेकर तुम्हारे पास वापस आता हूँ। जैन जब मेहर के घर जाएगा तो उसे सारी कहानी पता लग जाएगी और वो अपने भाई की तरफ से सफाई देगा कि वो तो हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा हुआ है और आप लोग उस पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा रहे हैं। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, क्या मेहर का बाप अब शबरेज और मेहर के रिश्ते के लिए मान जाएगा या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा।